अस्सलाम वालेकुम आप सब लोगों का वेलकम मेरे चैनल पे। तो अभी जो मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ जो आप देख रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा लेट हो गया अपलोड करना, दरअसल बस मैं नहीं कर पाया था एडिटिंग। तो आज मैंने सोचा चलो आज आपके साथ व्लॉग शेयर करूँ और आपको दिखाऊँ कि मुझे किसी ने गिफ्ट दिया है बहुत प्यार और मेहनत से बना के। तो आप भी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पर ये क्या कर रहे हो भाई, डिज़ाइन बना रहे हो? पार्क का डिजाइन। अच्छा तो यहाँ पे ये पहले मार्कर से डिजाइन बना रहे हो तुम इसका जी। ताकि कटिंग करो तो फिर आसानी से इसकी ड्राइंग बन जाए। ऐसे ही होता है। और बोलो कितनी देर लगेगी बनने में नालन पार्क? तो एक कागज पे यानी है ना, एक कागज पे ऐसे कटिंग करके इसका डिजाइन बना के और इसको कर लिया है कटिंग। अब आगे देखते रहो होता है क्या है, आगे होता है क्या। अब ये जो बड़ा सा ये जो गत्ता है ना, ये मोटा सा गत्ता है, इसके ऊपर यही डिजाइन इसके ऊपर बना रहे हैं जी। तो यहाँ पे ये डिजाइन देखो बन चुका है ऐसे गत्ते पे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे है ना। हाँ ऐसी कटिंग कर लेंगे ताकि कड़क रहे। हाँ तो केजी भी पता नहीं कौन से जमाने की लाया भाई, कटिंग आया वो। अरे बाप रे कौन सी केजी है। चलो जब कटता है एक साल बाद दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे ये बना रहे थे नालानी पार्क, तो मैंने सोचा कि वीडियो थोड़ी शूट करूँ, बल्कि मैं पूरी शूट करना चाह रहा था कि बना किस तरीके से रहे, लेकिन बस नहीं बना पाया मैं, को इधर उधर ध्यान गया, वो आधा अधूरा बना चुके थे। तो फिर मैंने वरना पूरी मैं आपको बताता कि इन्होंने किस तरीके से बनाया। अच्छा तो यहाँ पर ये देखे, मैंने बोला था ना मैंने व्लॉग लेट अपलोड किया, तो यहाँ पर जो ना ये मिलाद था, उसी रात को मिलाद था, तो यहाँ पे जो ना ये बिरयानी की देख वगैरह आई थी। यहाँ पे एक सीन भी हुआ था कि हमने बनवाई थी बीफ बिरयानी और यहाँ पे आ गई थी चिकन बिरयानी, यानी किसी और का जो हमारी बिरयानी थी वो कोई और चली गई थी और जो उनकी बिरयानी थी वो हमारे पास आ गई थी। तो जब हमने उनको फ़ोन करके बोला तो वो बोल रहे अरे वो बीफ बिरयानी तो वहाँ चली गई और चिकन बिरयानी यहाँ आ गई। ये हुआ था। अभी ऊपर मिलाद चल रहा है और हम यहाँ पर नीचे थे, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड की थी तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये आ गए अन्ना सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है ठीक ठाक? और आज हम इनकी महफिल में आए हैं, मिलाद है बहुत दूर से आए और हकीका है बहुत दूर से आए, उन्होंने इन्वाइट करा तो इसलिए हमें आना पड़ा, क्योंकि उनकी खुशी थी कि हम आए और ये हमारा कुछ नसीब है कि इनके महफिल में हम आए। और आप लोग उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत जल्द हम नई वीडियो में आएंगे। और अभी खाना खा के जाना। हाँ खाना जरूर खा के जाना। अगर आप खाना आगे नहीं गए, आपकी वाइफ और बच्चे ऊपर हैं? वो सब ऊपर है। आज आपको दिखाएंगे भाईजान हमारे कि हमारे हालात कहाँ तक है हमारे साथ। अच्छा तो अम्मी के व्लॉग पे काफ़ी कमेंट्स आई थी कि आपके जो जेंट्स हजरात आए थे वो कहते तो देख लें, वो नीचे थे इधर रूम में और कुछ लोग बाहर बैठे हुए थे, कुछ लोग अंदर थे, कुर्सियाँ वगैरह का इंतज़ाम था। बाकी अम्मी के व्लॉग में मैंने ये चीज़ नहीं दिखाई थी, क्योंकि अम्मी के व्लॉग में पूरा वो लेडीज़ मिला था, तो उसके अंदर फिर मैं एडिट मैंने कर दिया। काफ़ी बड़ा व्लॉग था, अम्मी का व्लॉग भी तकरीबन 1.5 घंटे का था, जिसको मैंने बहुत काटने के बाद 36 मिनट का किया था। तो लेडीज़ का खाना तो ऊपर ही लगा था, यहाँ पर जेंट्स का खाना नीचे लग रहा है। तो कुछ कमेंट्स मैंने पढ़ी थी कि आप बताएं कि जेंट्स हजरात नहीं आए थे क्या, और वो आए थे तो कहाँ बैठे थे? तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिप बनाई हुई है मैंने, तो चलो आपके साथ शेयर करूं और आपको दिखा दूं कि जेंट्स लोग जो आते हैं मिलाद वगैरह में या लेडीज़ प्रोग्राम में तो वो नीचे होते हैं और इधर इनका खाना का इंतज़ाम होता है। अच्छा तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ आराम से, अब मैं दिखाऊँगा नलाने पाक जो बन के तैयार हो चुका था। देखें ये मैं अभी घर पर ले आया और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कितना खूबसूरत इन्होंने बनाया है। ये देखें आप, बहुत मेहनत से बनाया है और मेरे सामने ही बनाया है, बस मैं पूरी वीडियो नहीं बना पाया इसकी, वरना मैं आपको सिखा भी देता है किस तरीके से बना रहे थे ये। कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नलाने पाक बहुत खूबसूरत लग रहा है मुझे तो। तो ये इन्होंने बना के दिया है बहुत मेहनत से और ये ताज़िया भी बहुत अच्छा बनाते हैं, मुहर्रम वगैरह में बहुत बड़े बड़े इन्होंने ताज़िया इनको बनाने आते हैं और माहिर हैं इन चीज़ों में। तो ये
सन क्या कर रहे हो? कौन सा काम कर रहे हो? ट्यूशन का, स्कूल का? ट्यूशन का काम कर रहे हो? अच्छा, क्या कर रहे हो? हुसैन, हुसैन बैठे हुए खेल रहे हैं। क्या कर रहे हो? इधर देखो। हुसैन क्या कर रहे हो? इधर देखो। हेलो बेबी, हाय कर दो, सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम, सलाम कर दो। है, आओ पढ़ो, अलिफ्बे लिखो, आओ। ज्योमेट्री लेके खेल रहे हैं। इधर आओ, आओ आओगे, ऊपर चलोगे? जाओगे चाचू साथ? अरे तुम्हारी वो कार लेकर आया था मैं, वो तो अभी तक खुला ही नहीं। हाँ। उसको तो वो तो ऐसी कैसी रखी हुई है पैकेट में। वो भी करेंगे। हाँ, वो मेरे पास कमेंट भी आ रही थी कि आप उसको जो ना बताया आपने कहाँ से ली, मुझे भी अपने बच्चों के लिए लेनी है, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ ऊपर जाके। हाँ, वो फिलअप करके दिखाना। नहीं, फिलअप तो बाद में करूंगा, अभी नहीं, मगर वो बता दूंगा। ओके चलो, आ जाओ ऊपर, आ जाना। सही है, पढ़ो बैठ के। चलो काम दिखा दो। काम क्या काम कराया जसन ने? स्कूल का बहुत सारा काम किया है जसन ने। जसन का स्कूल वर्क है ये देखो भाई, ये करता है। जसन को रोजाना स्टार ड्राइंग करी है। स्टार मिलते हैं ये देखो, कितने प्यारे प्यारे, ये देखो। ये सारे रोजाना स्टार मिलते हैं माशाल्लाह। जसन को हैप्पी फेस भी मिलता है। ये स्कूल वर्क है जसन का। अच्छा जी, चलो ओके, मैं जा रहा हूँ ऊपर, बाय। अच्छा तो ये देखें, आप कमेंट देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे आ रही होगी। तो ये मुझसे पूछ रही थी कि आपने ये कितने का लिया है, कहाँ से लिया है, तो मैं आपको बता दूँ। इसके प्राइस देखें 4,560 रुपये, और ये मैंने दाऊद मार्ट से लिया था। और ये कार है, ये जो ना ऐसी फुल के बड़ी हो जाती है, काफ़ी बड़ी साइज़ की हो जाती है। देखें आपको स्क्रीन में ऐसी दिख रही है, ऐसी हो जाती है। और इसके साथ मैंने पम्प भी लिया है, एयर पम्प भी लिया है, ताकि आसानी हो उसको जो ना कभी भी इसको खुलाना हो या बंद करना हो, तो इसलिए मैंने पंप ले लिया है। तो आपको पता चल गया होगा इसकी प्राइस ये हैं, और मैंने दाऊद मार्ट से लिया, ऑटो बन वाले दाऊद मार्ट से। ओके अच्छा, तो अभी हुसैन मेरे साथ ऊपर आ गया है, और अब मेरे साथ ही एडिटिंग करवाएगा बैठ के अम्मी की वीडियो की, है ना। कराओगे हुसैन? देखो उधर कैमरे में, कराओगे? अच्छा मैं आपको अभी एक परफ्यूम दिखाता हूँ, मेरे पास काफ़ी कमेंट आ रही थी इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे हाँ, मैंने क्वेश्चन आंसर किया था, तो उस पर मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था क्या आप कौन सा परफ्यूम आपको अच्छा लगता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इधर देखो कैमरे में देखो। अच्छा तो देखें, ये वो परफ्यूम सिल्वर कोड, क्या नाम है, यही नाम है इसका। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा परफ्यूम, तो अभी तो फ़िलहाल मेरा फेवरेट यही है। तो ये इंस्टाग्राम पे किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, तो मैंने सोचा चलो आज इसका जवाब दे दूँ। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।